हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और गाइज, आज अभी मैं खंडवा के चिड़िया मैदान जो है वहाँ पर हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे रेलवे के परमिशन ना होने के कारण जो ओवर ब्रिज बन रहा है, जो तीन पुलिया से लेकर आपको जोड़ेगा इधर रामेश्वर पुलिया तक। तो गाइज, ये ओवर ब्रिज का काम जो है किस तरीके से अटका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो गाइज, ये जो पूरा रेलवे ने परमिशन नहीं दी है इनको ओवर ब्रिज बनाने की, तो ये जो पिलर है वो बना दिए गए हैं क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन में आता है। और इधर जो है गाइज, ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आप जान सकते हैं कि ये ट्रेन जा रही है यहाँ पर। और ये ओवर ब्रिज का काम यहाँ तक ला के छोड़ दिया गया है और ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं। और ये ट्रेन जा रही है, खंडवा जंक्शन सामने है, आप देख सकते हैं। और ब्रिज का काम अटका हुआ है और कितनी धूल हो रही है यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं। सारे ब्रिज के जो पिलर हैं उसको खड़े कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे सारे ब्रिज के पिलर को खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। और ये आपको मैं आगे भी दिखाता हूँ, आगे जो थी मीटर गेज की ट्रेन है, मीटर गेज की रेल पटरी थी जिसको अब ब्रॉड गेज में कन्वर्जन किया जाएगा, और उसी के लिए रेलवे गेट को हटाने के लिए ये ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओवर ब्रिज के पिलर तो खड़े कर दिए गए, और ये दिसंबर 2021 में ही बनकर तैयार होना था, लेकिन रेलवे ने अभी तक परमिशन नहीं दी है बनाने को, इसलिए इसका काम अटका हुआ है। और हमको आपको बताते हैं कि पहले मीटर गेज की जो रेलवे गेट था वो कहाँ था, और ये भी हम बताएंगे कि जो मीटर गेज का रेलवे गेट था उसके ऊपर से ये ब्रॉड गेज जो के लिए जो ओवर ब्रिज बनेगा उसके कारण कितनी दिक्कत होती है। ये देखिए गाइस, इस यहाँ पे जो रेलवे ने ये जो है लेवल में किया है प्लेटफॉर्म को मिलाने के लिए, ये यहाँ से बड़ी लाइन गुजरेगी। और गाइज, आप समझ सकते हैं कि अगर बारिश के पहले ये काम कंप्लीट नहीं किया गया तो कितनी दिक्कत होगी यहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को। आप देख सकते हैं अभी ही धूल खाना पड़ रही है सब, तो अगर बारिश के पहले कंप्लीट नहीं होता है तो समझ सकते हैं कि ये जो दिक्कत होगी, फिसलन होगी, उसके कारण गाड़ी वाले जो गिरेंगे और घायल होंगे वो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज़्यादा दिक्कत होगी। तो गाइज, हम यही चाहते हैं कि रेलवे जो है परमिशन दे ताकि जल्द से जल्द इसको जो है बारिश से पहले कंप्लीट किया जाए ओवर ब्रिज को, ताकि ओवर ब्रिज के ऊपर से सारे जन निकल सके, सारे गाड़ी वाले निकल सके, नहीं तो धूल इतनी एक पड़ती है और बारिश में इतनी फिसलन हो जाएगी। और ये जो ट्रेन आपकी जो डीजल मोटरसाइकिल जा रही है वहाँ पर बड़ी लाइन की ट्रेन डलेगी जो सनावत इंदौर की ओर जाएगी, और इधर आपका खंडवा जंक्शन है, इधर जो है खंडवा जंक्शन की ओर गाड़ी जाएगी। और ये देख सकते हैं कितनी धूल है यहाँ पर, धूल ही धूल उड़ रही है। और ये जो मैं खड़ा हूँ चिड़िया मैदान में, जो मीटर गेज की रेलवे गेट पहले थी वहाँ पे, अब ब्रॉड गेज का जो ओवर ब्रिज बनेगा वहाँ पे। तो गाइज, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और गाइज, देखिए एक ट्रक आ रहा है, आप देखिएगा कि कितना यहाँ पर धूल उड़ता है। ये ट्रक को निकलने दीजिए गाइज, मतलब आम पब्लिक को यहाँ से निकलने में कितनी दिक्कत होती है, ट्रक से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत होती है निकलने में। तो गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।